आज तक हमारे पापा को नहीं पता कि ये क्या कमाती है, मैं क्या कमाती हूँ, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। इनफैक्ट अब भी ना हमें कहीं जाना होता है ना, तो हम अपने पापा से पैसे ले लेते हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना, माँ बाप को तो कभी बच्चे पाल ही नहीं सकते, तो ये जो बकचोदी करते हैं ना कमेंट सेक्शन में या फिर जो भी बोलता है, तो माँ बाप को तो कभी बच्चे पाल ही नहीं सकते। और आज तक मेरे पापा को नहीं पता, उन्हें पता है पूरा व्लॉगिंग का मतलब नहीं पता क्या होता है। तो फिर पता नहीं लोगों की सोच मैं चेंज नहीं कर सकती, और कहाँ तक क्लेरिफिकेशन देंगे यार। अपनी लाइफ में एंजॉय करो, क्लेरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। पापा को पता नहीं आज क्या हो गया, क्या 3 साल से बोल रहा है कि मतलब 3 वो मतलब शादी के बाद फेमस हुए हैं, तो अभी 2-3 महीने से शर्मा फैमिली पे ही क्यों सारे ब्लॉग बन रहे हैं? कोई बात नहीं, जब भी आता है 1-2 दिन छोड़ के वो शर्मा फैमिली पे ब्लॉग आ जाता है किसी ना किसी बहाने लेके। और नोना को लेके जो बात रही, उसी पे देखने वाले इतने पागल हो जाते हैं कि वो बनाने वाले और बनाने वाला भी ऐसे है, वो जो नॉर्मल बनते हैं उस पे भी उस देख लो, और जो शर्मा फैमिली का बनते हैं उस पे भी उस देख लो। इतना सेंटीमेंटल मत हो। और रही बात गाइस नोना की, नोना शर्मा और नोना डेडा, नोना डेडा है और वही है, किसको बताना है? दुनिया को पता है, दुनिया को पता है, तो किसको बताना चाह रहा है? और ना हम इसे सिखाते भाई, ये घर में सुनती है तो ये अपने आप कुछ भी बोलती है, हम इसे कुछ समझाते नहीं, वो बहुत बड़ी हो रही है। पर अपने कुछ कर्म होंगे तो ये चीजें हो रही है। चलो बस ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हाथों से। अब इस व्लॉग में मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि पापा से बुलवा रही है या कुछ, तो मुझे नहीं पता रैंडमली पापा आया और उनको क्या हो गया, एकदम चालू हो गए, तो छोड़ो। क्योंकि मेरे पापा ना बहुत कम चीज़ों में बोलते हैं, बहुत कम चीज़ों में रिएक्ट करते हैं जब उनको सच में चीज़ें बहुत बुरी लगती है। और नोना को लेके खासकर तो मेरे पापा ना नोना को लेके बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा, उन्हें मेरे से ज़्यादा नोना की टेंशन रहती है। तो नोना को अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छी संस्कृति मिलेगी, उस बारे में तो लोग बोला ही मत करो। तो मतलब नोना को लेके अगर कोई बोलता है ना, तो मेरे पापा का ना बहुत बीपी लो हाई हो जाता है। क्योंकि ना मेरे पापा सच में जितना हमसे प्यार करते हैं ना, उससे लाख गुना ज़्यादा नोना से करते हैं। और मतलब नोना जिस दिन हुई थी उस दिन का रिएक्शन मेरा, एक बार सी सेशन ब्लॉग उठा के देख लेना, आप लोगों को सब समझ आ जाएगी। मतलब मेरे घर वाले नोना से बे इंतहा प्यार करते हैं, बे इंतहा गंदा खून ये वो, जो लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों से आगे बोला है, तो प्लीज़ यार बंद करो ये ड्रामा ब्लॉग ब्लॉग वाला। ये नहीं दिखता कि मतलब एक ही चीज़ पे ब्लॉग बनाए जा रहा है बस। चलो कोई शर्मा फैमिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी की वो नहीं कर रहे हैं, उसकी तो छोड़ो खैर। सोशल मीडिया पे गंद मचाना हो ना, अगर इस पे यूट्यूब पे, तो अगर मैं चलाना सिखा सकती हूँ ना, तो मैं भी गंद मचा सकती हूँ। पर हमें मचाना नहीं है, सोशल मीडिया जिंदगी का तमाशा बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए। कोई बात नहीं, चलो तो ये वाले ब्लॉग का यार मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर आगे मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो आज पापा यहीं रुके हुए हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। नॉर्मल ब्लॉग पे व्यूज दे बस। तो गाइस चलो, ये चीजों को देख के गुस्सा ही आता है। कोई बात नहीं, मेरे पापा, अब मैं बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस व्लॉग में कमेंट करना, जैसे जो मर्जी करने करना, पर पापा के लिए कोई कुछ कमेंट मत करना। क्योंकि दुनिया को, व्लॉग बनाने वालों को, व्लॉग देखने वालों को, सबको पता है कि मैं अपने पापा के लिए तो उल्टा सीधा नहीं सुन सकती, नहीं बर्दाश्त होता मेरे अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे, जो समझदार होंगे। तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बाय बाय। ब्लॉग एंड कर दिया था, पर पापा फिर आए, कह रहे मुझे एक बात और याद आ गई, मतलब मैंने हंस के आगे याद आ रहा है। कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग में आके? कमेंट ये आ रहे हैं और बोलने वाले का भी ये है कि माँ के सिखाए में, बाप के सिखाए में, जब इस पर हमारा पूरा हक था, जब एक कुंवारी थी तब इसने शादी कर ली अपनी मर्जी से, आज शादी शुदा है तो इसे माँ या बाप कौन सिखा के रख लेगा और कौन जबरदस्ती रख सकता है? इतना तो सोचना चाहिए। बस कमेंट पे डाले जाओ, और वो कमेंट डालने वाले भी पता है कौन है, कई तो गाइस मैं ना बोलना नहीं, नहीं नहीं मैं बोलना चाहती, कमेंट डालने वाले ज्यादा 1.5 किलोमीटर के ही है बस। दो तीन फेक आईडी तो मैंने निकाल भी ली, लिखने की स्पेलिंग से पता चल जाता है कि कहां के लोग हैं, क्योंकि आधे इंग्लिश आधे में कुछ है, आधे में कुछ है गाइस। पता है 2-3 फेक आईडी की ना मैंने इंस्टाग्राम पे पता क्या करा, उनकी फॉलोइंग वगैरह चेक करी, वो मेरे नोन है। और जिनकी वो कह रहा है मतलब कि मुझे आके बता देते, वो हमें भी पता है कि कौन बता रहा है, पर हमें ऐसा फिर भी पता है, मम्मी यहाँ रहती है, मम्मी वहां जाके किस लोगों से कह रही है, वो हमें पता है कि कौन है कौन नहीं है, जानते हम, पर हम ये नहीं कहते कि तो कोई बात नहीं, हम अपना मानते हैं, तो दुनिया जाए जो मर्जी करे, और बोलने वाले का मुंह नहीं रोका जाता, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, रिलैक्स बोलती रहे, रिलैक्स बाय, बस बाय गाइस, बाय बाय, खुद ठीक होना चाहिए, दुनिया जो मर्जी बोले, हमें बताए ठीक है, बाय बस। और घमंड किसी चीज का नहीं, पैसे का ना किसी चीज का, पैसा तो है ही नहीं, सिंपल से सीधे।
साधारण से आदमी है तो घमंड हम किस चीज का दिखाएंगे? आज भी हम वही प्राइवेट नौकरी करते हैं गाइस। नहीं, मेरे से बहुत सारे लोग ना, एक मेरे ब्लॉग है, क्या घमंड है? इसकी माँ ने क्या खरीद लिया? महल बना लिया घमंड दिखा के पैसों का। इसने क्या कर लिया? महल बना लिया क्या?